देश के कई हिस्सों में इन दिनों चक्रवाती तूफान दाना का असर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत आसपास के राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी इन राज्यों में बारिश की संभावना है। ओडिशा में तूफानी हवाएं चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 अक्टूबर की सुबह चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा के तट पर कोहराम मचा सकता है। इस दौरान यहां हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में गुरुवार से ही भारी बारिश देखने को मिल रही है। राज्य में चक्रवाती तूफान दाना का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। बता दें कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 90 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं, जो कभी भी बढ़कर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दिल्ली में आज मौसम साफ रहने वाला है। दिन के ज्यादातर समय शहर में स्मॉग की मोटी चादर छाए रह सकती है। स्मॉग वायु प्रदूषण का ही एक रूप है। राजधानी में प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राजस्थान में हाल ही में कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम ने करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मानसून की विदाई के बावजूद बारिश हुई, लेकिन अब मौसम साफ हो गया है। आसमान से बादल छट गए हैं और तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर के आखिरी सप्ताह के अंतिम दिनों में तापमान में गिरावट होने की संभावना है, साथ ही सर्द हवाएं भी चल सकती हैं। इससे राजस्थान में जल्द ही सर्दी का मौसम शुरू होने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश समेत 6 राज्यों में दाना तूफान को लेकर जारी अलर्ट का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। यूपी के मौसम में बदलाव होगा। अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इस चक्रवाती तूफान के कारण मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इससे ठंड बढ़ने की संभावना है। आज प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में बारिश हो सकती है। यूपी के पूर्वांचल के 14 जिलों में शुक्रवार को बारिश की संभावना है।